गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, मार्केट में मौजूद गर्मी अब आपके कमरे तक आ चुकी है। इसके सॉल्यूशन के लिए लोग जो है घर में या तो कूलर फिट करेंगे या तो एसी। अब शहर के जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो एसी खरीदना शुरू कर देते हैं गर्मी आने से पहले। इससे ही होता यह है कि कंपनी के सेल्स में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिलता है। अब सीधी बात है, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर भी ऊपर जाएगा। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वह टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसका काम है एसी बनाने का। इस कंपनी ने 6 महीने में 76% का रिटर्न दिया है। अब आप जो है एसी के जो टेम्परेचर है उसे कम कर लीजिए, क्योंकि इससे सुनकर आपके पसीने भी निकल सकते हैं। कंपनी का नाम, पूरा नाम है वोल्टास, या टाटा ग्रुप की कंपनी है। यह कंपनी एसी के साथ साथ वाटर सॉल्यूशन, होम एप्लीकेशन और कमर्शियल रेफ्रिजरेटर बनाने का काम करती है। आप इसके कंपनी के क्वालिटी और सेल्स का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि देश में बिकने वाला हर 4 एसी में से एक वोल्टास का होता है और हर 3 रेफ्रिजरेटर में से एक वोल्टास का होता है। तो सोचिए 2030 में इसका जो मार्केट था वो एसी का मार्केट जो था वो था $4.4 बिलियन का। 2029 तक $6 बिलियन का हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि एसी बेचकर इतना रिटर्न कैसे मिल सकता है। तो ऐसा है, कंपनी होम एप्लीकेशन के साथ जो है पूरे साल भर सामान बेचती है, इससे रिटर्न भी अच्छा खासा आता है। कंपनी को पिछले साल 83% का था जो प्रॉफिट जो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का फंडामेंटल भी पॉजिटिव जानकारी दे रहा है। कंपनी का पॉजिटिव और निगेटिव की जो लड़ाई है वो 3:3 में है। कंपनी का मार्केट कैप ठीक ठाक है, कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड भी देती है और कंपनी के पास कर्ज भी ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री से कम होना चाहिए, जो अधिक है, जो निगेटिव पॉइंट है। आरओई 12% से ज़्यादा होना चाहिए, जो 5.37% है। और यही हाल ईपीसी का भी है, जो 50 से ऊपर होना चाहिए वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब आप लोग यह बोलेंगे कंपनी का फंडामेंटल उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए, तो कंपनी इतना रिटर्न कैसे दे रही है। रुकिए, प्रॉफिट दिखा देता हूँ, आप शायद इसे देखकर हैरान हो जाए। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट रिपोर्ट भी ठीक ठाक नहीं है। आप सेल्स देखिए तो लास्ट 3 साल में हर साल इसके जो शेयर्स हैं 2023 में आपको नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को आई है, लेकिन इसके शेयर प्राइस में ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला है। चलिए बताता हूँ क्यों, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से पता चल जाएगा आप सभी लोगों को। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि मार्केट में वॉल्यूम के साथ बायर हावी हैं, जिससे ग्रोथ की उम्मीद है। अब मार्केट में बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनते हैं तो इससे उम्मीद लगाई जाती है कि मार्केट में अप मूवमेंट है वह बरकरार रहेगा टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। अब यह केवल कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, हम आपको खरीदने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देते। आपको इसे बाय करना है तो मार्केट एक्सपर्ट से एक बार सलाह जरूर लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप